Assalamu alaikum. This is Mustafa Mirchawala from Grand Canyon, Arizona. कुछ सालों पहले एक IFRS के ट्रेनर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया था. सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. अच्छा, पहले एक बात जहन में रखें कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए है. डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में कानून की बालादस्ती इतनी नहीं होती, यानी इतना कानून सख्त नहीं होता, इसलिए उन इकोनॉमीज़ के लिए ये राइट ओके. लेकिन हाँ, ये पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होता. मैंने कोक कंपनी और पेप्सी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनसे कंफर्म किया है, तो ये पाकिस्तान पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता राइट ओके. अब सर गौर करें, सवाल ये है कि कोक कंपनी अपने फ्रिज डिफरेंट शॉप्स वगैरह पर रखवाती है, तो कोक कंपनी उस फ्रिज को कैसे ट्रीट करेगी? आई एस 16 के थ्रू ट्रीट करेगी? नहीं, डेवलपिंग इकोनॉमी में उसूलन ऐसा नहीं होना चाहिए. सर सवाल ये, वजह क्या है? तो उसकी वजह ये है कि कोक कंपनी का उस फ्रिज पे कंट्रोल नहीं होता. कोक कंपनी का उस फ्रिज पे कंट्रोल नहीं होता. क्यों? ज़रा गौर करें, अपना बचपन सोचें. हमने देखा है कोक के फ्रिज में पेप्सी की बॉटल्स, और सुने हमने देखा है कोक के फ्रिज में नूरपुर का बटर, और भी हमने बचपन में बहुत कुछ देखा है. कोक के फ्रिज में दूध वालों की पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो रखते हैं. तो इसका मतलब जब कोक के फ्रिज में उसके कॉम्पिटिटर की बॉटल पड़ी है, इसका मतलब कोक कंपनी का उस फ्रिज पे कंट्रोल नहीं है. कोक कंपनी का उस फ्रिज पे कंट्रोल नहीं है. तो जब कंट्रोल नहीं है तो आई एस 16 अप्लाई नहीं हो सकता. लेकिन ज़रा गौर करें, वो फ्रिज रेड कलर का है और उस पर कोक लिखा हुआ है. तो जब तक वो फ्रिज खड़ा रहेगा कोक कंपनी की मार्केटिंग होगी. तो यस, इट्स अ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर. लेकिन एडवर्टीजमेंट तो एक्सपेंस होता है. लेकिन मसला ये है कि ये एक ऐसा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है जिसकी लाइफ 5 साल या 7 साल या 8 साल है. तो अब कोक कंपनी क्या करती है, उसको एडवर्टीजमेंट प्री पेमेंट ट्रीट करती है राइट. और अगर लाइफ उसकी 5 साल है तो 5 साल पे उसको स्प्रेड करके एक्सपेंस आउट करके आहिस्ता आहिस्ता अपने उस प्री पेमेंट को ख़त्म कर देती है. आई होप आप ये बात समझ गए होंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.